मैम, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, 100 एपिसोड हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ब्रिलियंट सफ़र रहा, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने पहले किसी और से भी कहा कि आज की डेट में 100 एपिसोड पूरा होना मतलब लाइक 500 एपिसोड पूरा होने वाली बात हो गई है, और हमारे लिए बहुत खुशी और फख्र दोनों की बात है कि हम लोगों ने दंगल टीवी पे एक डिफरेंट तरह का कंटेंट क्रिएट किया, और डिफरेंट तरह के कंटेंट को क्रिएट करके 100 एपिसोड अच्छी रेटिंग के साथ हम लोगों ने चलाए हैं, वेरी रियल परफॉर्मेंसेज, रियल ट्रैक्स के साथ प्ले करके। सो बहुत 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 खुशी है। हमने अब देखा है कि जो दो एक्टर है, काफ़ी पार्थ का जो कैरेक्टर पसंद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लेके? सी, पार्थ का जैसे मैंने कहा कि क्योंकि कैरेक्टर्स रियल हैं, एक लड़की है जो दीवानी है। जनरली हम शोज में देखते हैं लड़के होते हैं जो भूत बनते हैं, जो दीवानापन दिखाते हैं, और आपकी मीरा है जो दीवानी है, और पार्थ के कैरेक्टर को एक हमने इनोसेंट, उसमें जो एक इनोसेंस बरकरार रही है कि डिस्पाइट बीइंग अग्रेसिव बॉय, लंबा चौड़ा होने के बावजूद इसके दिल में एक इनोसेंस है, एक हार्ट ऑफ गोल्ड है, जो कि मुझे लगता है कि लड़कियों को अपील कर रहा है, यू नो, वुमेन ऑडियंस को अपील कर रहा है कि वो एज अ बेटा अच्छा है, एज अ हस्बैंड इवन इफ़ वो अभी मीरा के साथ प्यार में नहीं है, लेकिन अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहा है, और उसका जो एक भोलापन है, जो एक यू नो एक इनोसेंस जो उसके कैरेक्टर में है, दैट इज़ वेरी एंडियरिंग टू द ऑडियंस। मैम, शो में अगर हम देखते हैं कि टेलीविज़न में कि जहाँ पर एक लड़का होता है और वो दो महिलाओं के साथ, एक घर वाले एक बाहर वाले, यूजुअली हर शो में हम देखते हैं, लेकिन आपके शो में इस तरह का नहीं रहा, क्या कारण रहा? क्योंकि आजकल हम हर शो के देखें तो इसी तरह की ट्रैक रहते हैं, हर जगह घुमा के फिरा के 20 एपिसोड के बाद 30 एपिसोड के बाद यही दिखाया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम शो को एक कन्विक्शन, प्योरिटी के साथ ही कहना चाहते थे, जो कहानी की डिमांड है उस हिसाब से ही हम जाना चाहते थे, और हम एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मीरा और पार्थ की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक लड़की ऐसे लड़के से प्यार करती है जो उसको पलट के प्यार नहीं करता है, चाहे उनकी शादी भी क्यों ना हो, तो उस रिलेशनशिप को ही अभी हम पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो बाहर वाली तो आने का भी चांस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, मतलब ये रियलिटी से आपका शो जुड़ा, हम देखते हैं कि दूसरे शो में रियलिटी नहीं होता है, मतलब जो लोगों को लगे हाँ ये सचमुच होता है, कई सारे शोज में देखता हूँ कि वो रियलिटी से नहीं जुड़े होते, कुछ भी दिखा देते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको लेके? देखिए, इस पर्टिकुलर शो के साथ हमारी शुरू से ही कोशिश थी कि हम इसको एक रियल ऑर्गेनिक शो बनाएंगे, तो हमारे कैरेक्टर्स, अगर आप उनका लुक भी देखें, जब हमने मीरा का मायका दिखाया उसका लुक जैसा बनाया, उन कैरेक्टर्स को हमने जैसा बनाया, हमने कोशिश ही ये की है कि ये रियल दिखे, तो ये एक बाय डिज़ाइन ही था कि हम इसको रियल इमोशंस, रियल कैरेक्टर्स, रियल फील, रियल लुक के साथ हम लोग आएंगे, तो हम लोग लाइक आई सेड ट्रू टू व्हाट वी हैड प्रॉमिस टू द ऑडियंस कि एक रियल शो है, ये गिमिकी नहीं है, हाँ ड्रामेटिक हो सकता है आगे जाके, लेकिन ये रियल भी रहेगा, जो हम इमोशंस की गहराई, बारीकियों को जो पकड़ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के में क्या होता है, दादी पोते का रिलेशनशिप क्या होता है, मैनिपुलेटिव भाइयों का रिलेशनशिप क्या होता है, उसको हम जितना क्लोज टू रियल रख सकते हैं वो रखने की कोशिश की, और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को, मीरा और पार्थ के रिलेशनशिप को, हमने एकदम रियलिटी के साथ प्ले किया है, आपको लगे कि हाँ ये कैरेक्टर्स होते हैं, और हमने ऐसे कैरेक्टर्स अपने आसपास भी देखे। जब आप स्क्रिप्ट में भी आप काम करती होगी, आप मतलब देखते होगी जब फाइनलाइज के लिए, तो आप स्क्रिप्ट में मतलब क्या क्या कभी समझिए मैम, एक्टर्स कभी अनसेटिस्फाई होते होगे, फॉर एग्जांपल, तो क्या डिस्कशन होना सही है कि एक्टर्स अगर इंटरफेरेंस करे स्क्रिप्ट में, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं, नहीं नहीं, मैं जनरल मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी शो अपने एक्टर्स को सुनाते भी हैं, उनको हायर करने से पहले उनको उनका कैरेक्टर, उनका ट्रैक जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। एट टाइम्स ये होता है कि कोई कैरेक्टर आपने सोचा था वर्क करेगा लेकिन वो वर्क नहीं किया, तो उस वक्त पे हम एक्टर्स को समझाते हैं ये बात कि ये कैरेक्टर, ये ट्रैक वर्क नहीं किया,
और शो की अच्छाई के लिए बेहतर है कि इस रोल को कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि कोई कैरेक्टर ने सोचा नहीं था इतना वर्क करेगा लेकिन वो बहुत वर्क कर गया तो उसको हमने आगे बढ़ा दिया। बट हैविंग सेड दैट as an individual on a personal level I'm quite okay to talk to the actors and listen कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी ग्रीवेंस ये है कि नहीं इसका रोल मिसेज आ रहा है आई एम सॉरी दिस इज हाउ इट इज, बट अगर एक जेन्युइन ग्रीवेंस है तो वी डेफिनेटली वांट टू हियर दिस। मैम एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आगे जाके कुछ नए शोज लाने के इरादे हैं आपके या कुछ आप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं? क्योंकि हम टीवी में देखते हैं सिर्फ ओनली फीमेल सेंट्रिक होते हैं शोज, मेल की जो पार्ट होते हैं ना वो कभी ज़्यादा दिखाए नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर हम बॉलीवुड में देखें तो वहाँ पे एक हीरो होता है, मतलब अक्षय हो, सलमान सर हो, शाहरुख सर हो, मतलब उनके इर्द गिर्द स्टोरी होती है, उनके कैरेक्टर का एम्पावर किया जाता है। लेकिन हम टीवी में देखते हैं फीमेल्स, इट्स गुड कि वो किया जाता है, कहीं ना कहीं एक्टर्स थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए ये दुनिया महिलाओं से ही चलती है, करेक्ट, तो हम तो शो महिलाओं के लिए बनाते हैं, वही घर की हैं और उन्हीं को हम लोग फोकस करते हैं। बट अगर हम देखें जैसे अगर आप हमारे शो देखेंगे दिवाली, इसमें आप देखेंगे पार्थ और मीरा बराबर की हिस्सेदार हैं शो में। हमारा एक और नया शो है सन न्यू ओके जो नया हिंदी चैनल है, करेक्ट, इश्क जबरिया हमारा शो है, वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है। ऑनलाइन में मैंने देखा है कि हमने जब इंटरव्यू किया था तो वो शो को काफ़ी अच्छी रेटिंग्स आ रही है ऑनलाइन में। अभी मैंने जस्ट में हम देख रहे थे तो रेटिंग्स उसकी काफ़ी अच्छी आ रही है ऑनलाइन में, तो वो भी आप जब देखें आपने देखा सराहा, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि ऑनलाइन में इसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है, वो भी बहुत ज़बरदस्त शो। लेकिन वहाँ पे भी लड़का लड़की का कैरेक्टर इक्वली इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे भी, और जो हम OTT के लिए बनाते हैं वहाँ पे भी एक्चुअली अभी देखा जाए तो मेल वुमन मैन का जो इक्वल रोल जो है कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हो गए अब जाके, तो ये अभी कहानियाँ ऐसी नहीं कि सिर्फ लड़की की कहानी है और लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं, उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रोमांस में तो आपको दोनों चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। TRP के महीने आजकल काफ़ी चेंज हो गए, जैसे कि इट माइट बी द चैनल में नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग अभी अपने मोबाइल में शो देखते हैं, यूट्यूब में लोग शो देखते हैं क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता है। मैं देखता हूँ लोकल ट्रेन में भी कई सारे आदमी लोग भी शोज़ देखते हैं, मैंने देखा है। एक बार मैं इलेक्शंस कवरेज के लिए आ रहा था, लोग TV सीरियल्स लोग अपने फ़ोन में देख रहे हैं, तो इसको आप कैसा चेंज देख रहे हैं? वो भी मेल देख रहे हैं, एक धारणा है कि TV खाली महिला ही देखती है, लेकिन अब चेंज होते जा रहा है, मैंने देखा है खुद, आप कैसे देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि ये तो एक बात है कि सोशल मीडिया जो है बड़ी चीज़ है, तो जो लोग टेलीकास्ट पे नहीं देखते हैं वो YouTube पे देखते हैं, और जैसा आपने खुद भी कहा ऑनलाइन रेटिंग्स आपके YouTube पे कितने व्यूज हैं ये भी अभी ब्रॉडकास्टर्स इसको कंसिडर करने लगे। जैसे हमारा एक छोटा पिशाचनी वो कलर्स के मेन चैनल पे उतना अच्छा रेटिंग नहीं दे रहा था लेकिन यूट्यूब में बहुत अच्छी रेटिंग मिल रहा था, ऑनलाइन में भी अच्छा था, निहार इनका शो नायरा मैम का शो था और काफ़ी अच्छा किया था उन्होंने, तो नायरा भी फैंटास्टिक परफॉर्मर है। हाँ तो अभी इवन नेटवर्क्स जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इज अ गुड थिंग, शो ना सिर्फ TV पे देखा जा रहा है पर लोग अपने पर्सनल टाइम पे उसको यूट्यूब पे उसको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट ट्रेंड आल्सो, दो रेटिंग्स मैटर करती हैं इवेंचुअली, आखिर में अपने फैन से आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छे शोज आपको बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप उनको एक मौका दें देखने का, आप दीवानी को इतना प्यार दे रहे हैं, एक शबरिया को प्यार दे रहे हैं, तो हमारा आपसे यही है कि हमारी बहुत मेहनत चाहिए एक शो को क्रिएट करने में, मौका जरूर दें और फिर आपको पसंद नहीं आए तो बात अलग है, लेकिन मौका जरूर दें नए शोज नए कहानियाँ नए किरदार, बहुत मेहनत है। थैंक यू मैम।